Now come to the families of retro. Now come to the family of reverse transcribing viruses. इसमें पहली फैमिली है हेपेटनाविरिडी. हेपेटनाविरिडी के दो जीनस हैं, ऑर्थ्रोहेपेटनाविरिडी एंड एवी हेपेटनावायरस. ऑर्थ्रोहेपेटनावायरस इसमें आता है हेपेटाइटिस बी वायरस, और जीनस एवी हेपेटनावायरस में आता है डक हेपेटाइटिस बी वायरस. इसके करेक्टरिस्टिक्स, हेपेटनावायरस यानी कि हेपर, HEPAR, हेपर यानी कि लीवर, LIVER, लीवर. डीएनए सिंगला, हेपेडना डीएनए, डीएनए फॉर सिंगला फॉर डीएनए. तो हेपेटना वायरस विरियोन्स आर स्फेरिकल, 42 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड कंसिस्ट ऑफ 27 नैनोमीटर आइकोसाइड्रल कोर विथ ए क्लोजली एडरेंट आउटर कैप्सिड दैट कंटेन सेलुलर लिपिड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ए वायरस स्पेसिफिक सरफेस एंटीजन यानी कि HBS एंटीजन. द जीनोम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूलर ऑफ सर्कुलर पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड पार्शियली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. Consisting of long 3.2 kilo base pair and short 1.7 to 2.8 kilo base pair strands. Replication involve an RNA intermediates and require a virus coded reverse transcriptase. Hepatina viruses replicates in the nucleus of hepatocytes and cause hepatitis, which cause progress to chronic disease, cirrhosis and primarily hepatocellular carcinoma. Isme pathogen hai genus Ortho hepatina viruses. जिसमें हेपेटाइटिस बी वायरस आता है, ये ह्यूमंस में मिलता है. उसके बाद वुड चक हेपेटाइटिस बी वायरस, WOODCHUCK, वुड चक हेपेटाइटिस बी वायरस. एंड ग्राउंड स्क्वेरल हेपेटाइटिस बी वायरस, स्क्वेरल SQUIRRL, स्क्वेरल हेपेटाइटिस बी वायरस. दूसरा जीनस है एवी हेपेटना वायरसेस, डक हेपेटाइटिस बी वायरस आता है इसमें. एंड हीरोन HERON, हीरोन हेपेटाइटिस बी वायरस आता है. Important cause of the avian disease in some region of the world.